हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक रहने वाला है सैंडविच थ्योरम। हाँ, तो हम दो सैंडविच लेने वाले हैं, बीच में डालेंगे उसके टिक्की और एकदम बढ़िया सा बर्गर बना के खाने वाले। तो वैसे वाला सैंडविच नहीं वैसे, बट थ्योरम वैसे सी है। मतलब क्या करेंगे, एक ऊपर लेयर, एक नीचे लेयर और बीच में एक लेयर, ऐसी कुछ थ्योरम तुम्हें दिख रही होगी। सो आज का टॉपिक हमारे पास सैंडविच थ्योरम होने वाला है। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा, सैंडविच थ्योरम आज का टॉपिक है। तो जितने यहां पर फनी सी नाम है रखा हुआ इस थ्योरम का, उतना ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ये। अब कई जगह पे तो ये टॉपिक ही छुड़वा देते हैं, लेकिन भैया ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और मैं दिखाता हूं कितने आसान हो जाएंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। मान लो तुम कोशी थ्योरम से करना जा रहे हो और तुम फिर सैंडविच थ्योरम पे आओगे, तुम कहोगे भैया ये तो फिर एक लाइन में ही हो गया, कुछ लिमिट तो हमने फाइंड आउट भी कर ली इसकी। हाँ जी भैया, करके दिखाते हैं तुम्हें। देखो कहा क्या हुआ, अगर मान लो तीन सीक्वेंस है हमारे पास ए बी सी, आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट एनथ टर्म, जो भी टर्म ले लो, इसकी सबसे छोटी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। मैं एग्जांपल भी लेके दिखा देता हूं। मान लो ऐसा सा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ है, वन प्लस वन बाय एन, वन प्लस सॉरी टू प्लस वन बाय एन, और तीसरी है थ्री प्लस वन बाय एन। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही कुछ बनने वाला है, मतलब ऐसा कुछ बनने वाला है। तो इक्वल भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, इक्वल भी हो सकती है। जैसे जैसे ये मान लो यहां पे लिख लो वन बाय एन, यहां लिख लो टू बाय एन, यहां लिख लो थ्री बाय एन, तो ये इक्वल भी हो सकती है। तो ये चीज का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि भैया ऐसी सीक्वेंसेस देखनी है जिनकी कोई भी टर्म अगर उठा ले, देखो तुम अगर यहां से ऑब्जर्व करो तो यहां पर लिखा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अगर मान अगर ये जो साइड वाले जो हमारे पास एक बर्ग, मतलब जो सैंडविच हमारे पास होने वाला है, लग रहा बना के दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो हमारे पास सैंडविच होने वाला है और ये जो बीच में इसके ये चीज आने वाली, तो ये हमारे पास है ए एन, ये हमारे पास है बी एन। तो ये जो बीच, अगर ये ए एन अप्रोच कर रहा है एल को और बी एन भी अप्रोच कर रहा है एल को, तो ये जो सॉरी सी एन भी अप्रोच कर रहा है एल को, तो ये हमारे पास जो बी एन है बीच वाला, ये भी अप्रोच करेगा एल को। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ग्राफिकली बताओ मजाक से हटके, अगर हमारे पास ए एन है वो अप्रोच करना चाह रही है, ये ए एन हमारे पास सीक्वेंस मान लो जीरो को अप्रोच करना चाह रही है, मान लो ये जीरो को अप्रोच करना चाह रही है, यहां से मैंने सी एन देखी, ये भी किसको अप्रोच करना चाह रही है, जीरो को अप्रोच करना चाह रही है। जो भी सीक्वेंस है ऐसे करते करते जीरो को अप्रोच करना चाह रही है। तो बी एन कहां है, इनके बीच में कहीं पे, तो ये भी किसको अप्रोच करने वाली है, जीरो को ही अप्रोच करने वाली है। जरूरी नहीं हमेशा जीरो ही हो, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर भी लिखा हुआ है, अगर ये दोनों हमारे पास एल को अप्रोच करनी है, तो ये बी क्या है, बी इनके बीच में सैंडविच है, सैंडविच का मतलब इनके बीच में फंसा हुआ है, इनके बीच में है। तो अगर ये एल को अप्रोच करेगी, ये एल को अप्रोच करेगी, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा, गिवन ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। भैया अगर आप इसका प्रूफ करा दो तो मजा आ जाए, चलो आ जाओ प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा प्रूफ है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन भैया हमारे पास दो चीजें, तो पहली तो इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सी एन इक्वल टू एन। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिमिट लिख दिया, मतलब कहने का यही है कि भैया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो मैंने नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। अब इस लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है एक मिनट, इसका मतलब हमारे पास होता है विच इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट ग्रेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। मैंने लिमिट की डेफिनेशन तुम्हें पहले ही बता रखी है, पूरी इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि भैया लिमिट को एक तो ऐसे लिखते हैं और दूसरा तरीका लिखने का क्या होता है, कुछ ऐसे जैसे मैं आप लिखने वाला हूं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, मतलब M1 के बाद सारी की सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस बहुत छोटे हो जाने वाले हैं। याद है मैंने लिमिट में पढ़ाया था तुम्हें, पक्का याद है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भैया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें छोटी छोटी। सच दैट सी एन सॉरी ए एन, पहले ए एन के लिए लिखते हैं, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। ये M1 हमें पता है एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, जितना छोटा एप्सिलॉन लोगे उतना बड़ा एन एम वन आने वाला है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सच दैट दिस चीज इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था भैया
कि ए एन माइनस एल जो है वो बड़ा होगा एप्सिलॉन से, माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा एप्सिलॉन से, जिसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में आने वाला है, सॉरी यहां मैं इक्वल टू का साइन डाल रहा हूं, इक्वल टू नहीं आएगा, हाँ तो ये होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। लेट अस से दिस इज द इक्वेशन। दूसरा मैं फिर से लिख सकता हूं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू, जरूरी थोड़ी है दोनों के बीच में सेम ही टर्म्स होने वाली है, ठीक है, सच दैट। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं सीएन के लिए, तो सीएन के लिए भी मैं सेम ही लिखूंगा एल माइनस एप्सिलॉन सीएन एल प्लस एप्सिलॉन। अरे भैया दोनों एल को ही तो अप्रोच कर रही है तो लिमिट पॉइंट तो सेम ही आएगा, ये तो लिमिट है इसकी, ये तो सेम ही आएगी, बात समझ पा रहे हो। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम स्टार हमारे पास हमें दिख रहा है ए एन के बीच में आ रहा है बी एन के, ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ बी एन क्या है, ए एन से बड़ी है लेकिन सी एन से छोटी है। लेकिन अभी अभी तुमने देखा ए एन से छोटा क्या है एल माइनस एप्सिलॉन, ए एन, ए एन का लोअर बाउंड कह सकते हो इसको, ए एन में ए एन का हमारे पास ए एन किससे बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से, और सी एन किससे छोटा है, सी एन किससे छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से। तो अल्टीमेटली अब तुम्हें यहां से देख के पता लग जाओगा अगर बी एन ए एन से बड़ा है तो इससे भी तो बड़ा होगा, इस पे यहां पे फिर मैंने इक्वल लगा दिया, अगर बी एन इससे बड़ा है तो इससे भी तो बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा ही होगा, अगर सी एन से छोटा है तो इससे भी तो छोटा ही होगा, तो ये सी एन से छोटा होगा। और यही डेफिनेशन तो होती है भैया, इसको मैं दोबारा क्या लिख सकता हूं, इस डेफिनेशन से मैं यहां तक पहुंचा था और इस डेफिनेशन से दोबारा लिख सकता हूं लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू ऑल्सो इज ऑल्सो इक्वल टू एल, दैट इज द प्रूफ। बहुत छोटा सा प्रूफ था और बहुत सिंपल सा प्रूफ था, एक बार इसको देख लो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले। सो अब हमारे पास यहां पर तीन क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसके बाद करेंगे, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो अब यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, एसएन हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है जिसमें सीक्वेंस में क्या है फाइव ऑफ एन। भैया ये फाइव ऑफ एन क्या होता है, फाइव ऑफ एन हमारे पास होता है ऑयलर फाइव फंक्शन, और ऑयलर फाइव फंक्शन क्या है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया फाइव ऑफ, अरे 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 हाँ अब ठीक है, फाइव ऑफ टेन, इसका मतलब है यहां पर आएगा वन टू फाइव टेन। भैया इसका मतलब क्या हुआ, सारे डिवाइजर जितने भी पॉसिबल हैं सारे डिवाइजर आ जाएंगे यहां पे, ठीक है भैया। एक बात तो भैया पक्का है ना, एक बात तो पक्का है कि यहां पे जितने भी डिवाइजर आएंगे, जितने भी यहां पर डिवाइजर आने वाले हैं, ये तो हम गारंटी दे सकते हैं कि फाइव ऑफ एन जो है, अगर हम फाइव ऑफ एन की बात करें, एक चीज ध्यान देनी है, फाइव ऑफ एन जो होता है वो वन और एन के बीच में ही होता है, इस चीज का बेटा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें नंबर थ्योरी में, मतलब ये जो चीज है मैं तुम्हें नंबर थ्योरी में और डिटेल में बताने वाला हूं, जब मैं तुम्हें नंबर थ्योरी कराऊंगा ग्रुप थ्योरी से पहले डिटेल में पढ़ेंगे पूरा जोर लगा के, अभी के लिए ये जो फाइव ऑफ एन होता है उसकी वैल्यू कहां से और कहां के बीच में आती है, वन और एन के बीच में आती है। भैया खुद से बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा उसका डिवाइजर, मान लो मैंने थ्री के डिवाइजर पूछे या वन होगा या थ्री होगा, भैया इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो एन से बड़ा नहीं होने वाला। एक काम करो एन पावर ले लो हर तरफ, इसकी भी पावर वन बाय एन, इसकी भी पावर ले लो वन बाय एन, इसकी भी पावर ले लो वन बाय एन। अब एक चीज हमें पक्का पता है, एक चीज हमें पक्का पता, थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो जाएगी मैं यहां लिख दूंगा कोई बात नहीं, एक चीज हमें पक्का पता, अगर ये अप्रोच कर रही हुई एल को, ये अप्रोच कर रही हुई एल को, तो ये भी किसको अप्रोच करेगी एल को, क्योंकि मेरे को इसका डायरेक्ट लिमिट नहीं पता, इसलिए तो मैं सैंडविच थ्योरम लगा रहा हूं, मेरे को इसकी डायरेक्ट पता ही नहीं लिमिट, तुम्हें पता तो बता दो, मेरे को तो नहीं पता थी। इसका मतलब पहले अगर मैं देखूं लिमिट वन रेस टू पावर वन बाय एन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वन ही आ जाएगा, क्योंकि तुम इन्फिनिटी डालो वन बाय इन्फिनिटी जीरो और वन की पावर जीरो वन आ जाएगा, लिमिट एन रेस टू पावर वन बाय एन भी क्या होता है वन ही होता है, तो मैंने काफी बार करा दिया, अब तुम्हें एक बार फिर से करा के दिखा देता हूं। ये हमारे पास है, यहां पर इन्फिनिटी डालोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी और वन बाय इन्फिनिटी विच इज जीरो, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो बन जाएगी, तो कोई मतलब सा नहीं बना। लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा लॉग एन, ठीक है। अब इन्फिनिटी पुट करके देख लो तो अभी भी नहीं कर पाओगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, तो क्या करें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाले की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी वन बाय एन, नीचे वाले की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी वन, तो अब इन्फिनिटी पुट करके देखो तो ये क्या आ जाएगा जीरो, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहां आ गया जीरो, लॉग वाई क्या आ गया हमारे पास जीरो, तो एज ए वाई क्या आ जाएगा ई की पावर जीरो विच इज वन, तो वाई क्या आ गया हमारे पास वन,
तो इसकी लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, वन। ये भी अप्रोच कर रहा है वन को, ये भी अप्रोच कर रहा है वन को, तो ये बीच वाला भी किसको अप्रोच करेगा, वन को। यहां तक नोट कर लो क्योंकि मुझे ये रब करना है, अच्छे से नोट कर लो, सो फिर मेरे को रब करना है। कर लिया, चलो आ जाओ, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं इसको रब कर दू, तो मेरे को यहां से आंसर पता लग गया कि बाय सैंडविच थ्योरम, रुक जाओ इसको सूख लेने दो, यहां लिख सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम, थ्योरम लिमिट ऑफ, ये चीज यहीं लिखनी पड़ेगी हमें, यहां से लिखते हैं इसके बाद लिमिट ऑफ फाई एन होल रेज टू पार वन बाय एन ऑल्सो अप्रोचेस टू वन, ऑल्सो अप्रोचेस टू वन, यहां तक लिख लो। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है वरना मैं बिल्कुल बढ़िया से यहां पर चमचमाता हुआ लिखता, बट ठीक है अभी भी मेरे ख्याल से तुम तो मैनेज कर ही लोगे, अच्छे बच्चे हो तुम, है ना। हाँ भैया हम अच्छे बच्चे, ये कन्वर्जेंट भी है, मतलब सैंडविच थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया वन को कन्वर्ज कर रही है तो वन को भी कन्वर्ज कर रही है, मतलब ये गलत है, गलत ना, तो ये ऑसिलेटरी है ना ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको कर रही है, वन को कर रही है। अगला देखो, अगले में भी फाई जैसा ही फंक्शन है, बस ये क्या है, ये फाई होता है डिवाइजर्स, सेट ऑफ डिवाइजर्स, ये क्या होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बस फर्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 10 के बताए ना, अभी मैंने 5 ऑफ 10 लिखा तो उसका आंसर आता है 1, 2, 5, 10, लेकिन ये जो अगर मैं d ऑफ 10 लिख, अगर मैं d ऑफ 10 लिखूंगा तो इस d ऑफ 10 का मतलब होता है 4, क्यों भैया 4, ये 4 इसलिए आया क्योंकि इसमें 4 ही तो है डिवाइजर, तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, d क्या बताता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और फाई क्या बताता है कि कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, इस चीज का ध्यान रखो। लेकिन एक बात तो हम गारंटी दे ही सकते हैं ना यार, एक बात तो हम गारंटी पक्का दे ही सकते हैं कि हम एक बात तो गारंटी दे ही सकते हैं कि भैया ये वाला जो नंबर, ये वाला जो फंक्शन है ये वन से तो बड़ा ही होगा, मतलब एक डिवाइजर तो होता ही होता है आप सबका, कौन सा, वन, वन तो सबका डिवाइजर है, वन तो होता ही होता है, लेकिन भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइजर्स ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, एन की पावर 50, उससे ज्यादा तो कभी आ ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा तो कभी आ ही नहीं पाएंगे भैया, इससे ज्यादा तो डिवाइजर किसी का आ ही नहीं सकते, ठीक है भैया मान लेते हैं। अगर तुम यहां पर वन के डिवाइजर, अब तुमको भाई इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि वन भी तो एन की जगह वन डाल के देख लो तो सेटिस्फाई करनी चाहिए हर एन के लिए, इसलिए मैंने इक्वल भी लगा रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पावर ले लो वन बाय एन, यहां भी ले लो वन बाय एन, यहां भी ले लो वन बाय एन। देखो सैंडविच थ्योरम का यही फायदा है, अगर मुझे नहीं पता एक्चुअल आंसर, अगर मुझे एक्चुअल आंसर नहीं पता लेकिन उससे रिलेटेड दो और सीक्वेंस के बारे में पता है तो फायदा हो जाता है। जैसे मैं ये वाला एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा ना, इतना स्मूथ चलेगा हमारा, मजा आ जाएगा। इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट वन रेज टू पावर वन बाय एन, हमें पता है इन्फिनिटी डालूंगा तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो, और वन की पावर जीरो वन। आगे आ जाओ इसकी लिमिट देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एन की पावर वन बाय एन होल रेज टू पावर 50, अरे पावर को स्वीप कर लिया, 50 ऊपर लेगा इसको अंदर ले लिया, एक ही बात है पावर तो मल्टीप्लाई ही होती है, लेकिन ये अंदर वाले की लिमिट क्या होती है वन, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था इसकी लिमिट क्या होती है वन, ऊपर 50 होने से कोई फायदा नहीं होगा, इसकी लिमिट क्या होती है वन, वन की पावर 50 विच इज वन, तो ये दोनों ही किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये भी अप्रोच कर रहा है वन को, ये भी अप्रोच कर रहा है वन को, तो बीच वाला जो है उसको भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा, वन को अप्रोच करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, तो बीच वाले को भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा, वन को ही अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब ये जो मैं लिखने वाला हूं कि लिमिट डी एन रेज टू पावर 50 This also approaches to one, and that is the final answer. Convergent है, converge कर रही है one को, oscillating नहीं है, और divergent भी नहीं है। अब चलते हैं अपने last question, मतलब next question की तरफ, last तो नहीं मैं कहूंगा, next question की तरफ चलते हैं, जो कि हमें कहना चाह रहा है कि consider a sequence this where SN हमारे को given है ऐसा कुछ, और इसमें पूछ रहे हैं क्या SN converge करेगा, अगर करेगा तो उसका कन्वर्जिंग पॉइंट भी निकालो, चलो आ जाओ साथ में कर लेते हैं इसको। इसके लिए भी हम सैंडविच थ्योरम का यूज करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट इसकी कन्वर्जेंस तो मेरे को नहीं पता, तो क्या करें, दो सीक्वेंस ऐसे ढूंढो जो इससे रिलेटेड हो। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक काम तो आता है जो कि है वन बाय एन प्लस वन, ऐसे नहीं
एक बात तो मेरे को पक्का पता है ना, एन इज ग्रेटर देन वन, ये तो पक्का पता है। एन वन से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, अगर मैं यहां भी एन ऐड कर दूं, यहां भी एन ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भैया। अगर मैंने एक ऐसा एन लिया जो कि वन से बड़ा है, उसमें दोनों साइड एन एन ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दो तो। लेकिन फर्क अब आ जाएगा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एन प्लस एन। ये देखो मैंने क्या लिखा, ये मैंने एक्चुअल में लिखा है कि ये जो एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायरिंग भी कर दूं दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बस मैंने यहां पे क्या किया है कि रेसिप्रोकल लेने पे ये उल्टा हो गया, मतलब ये एन प्लस वन नीचे चला गया, एन प्लस एन यहां पे चला गया, और दोनों का स्क्वायर भी करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायरिंग से, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक नेगेटिव साइन का लेना देना ना हो, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता है बस। ये बात पता लग गई, ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी ये बात तो सही थी। और दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो ये है कि ये चीज मैं बताने वाला हूं, हाँ ये मैं बताने वाला हूं कि एन प्लस वन से बड़ा होता है, एन प्लस वन बड़ा होता है एन से, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एन प्लस वन बड़ा होता है एन से, या फिर हम कह सकते हैं वन बाय एन बड़ा होगा वन बाय एन प्लस वन से, मैंने करी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोबारा से। यहां से ये भी कह सकता हूं वन बाय एन का स्क्वायर बड़ा होगा वन बाय एन प्लस वन के होल स्क्वायर से, है ना। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर मैं आप एन प्लस हंड्रेड भी ले लो तो वो भी बड़ा होगा एन से, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो अभी भी वन बाय एन किससे बड़ा है, वन बाय एन प्लस हंड्रेड से, अभी भी आप अगर स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे तो अभी भी क्या आने वाला है, कुछ ऐसा ही आने वाला है। यहां से क्या समझ पा रहे हो, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वेशन को लिख लो, इसको मैं रब करने वाला हूं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि अगर यहां पर कोई भी टर्म लिखो तो वो वन बाय एन उससे बड़ा ही होने वाला, वन बाय एन हमेशा उससे बड़ा ही होने वाला। और यहां पे भी तुम चाहे कोई भी टर्म लिख दो, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, वो इस चीज से हमेशा बड़ी ही होने वाली, हमेशा बड़ी ही होने वाली। भैया इसका फायदा क्या है, स्क्वीज थ्योरम बना दी, स्क्वीज थ्योरम बना दी, देखो 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 देखो, एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा। एक चीज तो मैं गारंटी दे पा रहा हूं कि ये जो वन बाय एन प्लस वन का स्क्वायर है ये किससे बड़ा होने वाला है, वन बाय एन प्लस एन के होल स्क्वायर से, यहां से, और ये किससे छोटा होने वाला है, वन बाय एन के स्क्वायर से। सही कह रहे हो भैया, थोड़ी मैं ऊपर लिख देता हूं यार, जगह की दिक्कत हो जाएगी वरना, ये हमारे पास आ जाएगा वन बाय एन प्लस एन के होल स्क्वायर से, तो बड़ा होने वाला है वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और इससे छोटा होने वाला है। ऐसी अगली टर्म लिखो, एन प्लस वन, एन प्लस एन का होल स्क्वायर छोटा होने वाला है एन प्लस टू के होल स्क्वायर से, बट ये छोटा होगा, बड़ा होने वाला है इससे लेकिन छोटा होगा इससे। समझ पा रहे हो, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, चाहे तुम एन प्लस हंड्रेड भी लगा दो तब भी इससे छोटा ही आएगा। अगली फिर एक और बार ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कब तक चलना है ये हमने चलना है भैया, यहां तो सेम ही रखो लेकिन ये हम चलने वाले हैं जब तक यहां पे एन प्लस एन नहीं आ जाता, तब भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम यहां पे एन की जगह कुछ भी रख दो, वन बाय एन स्क्वायर से तो छोटा ही आएगा। अब एक काम करो, सारी टर्म्स को ऐड कर दो, क्या फायदा होगा भैया ऐड करने से, अगर तुम इनको ऐड करोगे तो देखो यही मिल गया, इधर ऐड करोगे तो ये कितनी बार है बताना भैया, काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप टू सेवन एन तक, तो ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। तो ध्यान से देखना क्या होगा, इनको ऐड करोगे तो याद रहेगा एन टाइम्स वन बाय एन प्लस एन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बीच में क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी पूरी की पूरी एसएन जो दे रखी है भैया, इसको 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 ऐड करोगे तो ये एसएन ही तो आ जाएगी। अब मेरे को पूरी लिखनी पड़ती, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया इसका, यहां पे इसको प्लस करोगे तो कितने टाइम्स प्लस हो जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। यहां पर भी ये कितने टाइम्स आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा वन बाय एन का स्क्वायर। देख लेता हूं कि वीडियो में आ रहा है ये पार्ट या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यहां से कह सकता हूं, फिर मैं यहां से कह सकता हूं कि n अपॉन टू एन का होल स्क्वायर इज लेस देन एस एन
इज लेस देन एन से एन, एक कटेगा तो 1/n, यहां भी एक एन से एन काट दोगे तो आ जाएगा 1/4n। एक मिनट रुको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, ये आ जाएगा लेस देन एस एन, लेस देन 1/n। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर यहां पे n 1 होता तो, हाँ 1 होता तो उसके लिए इक्वालिटी भी आ जाती, तो इक्वालिटी भी लगानी जरूरी है यार, इस चीज का ध्यान रखना, मेरे को स्टार्टिंग से इक्वालिटी लेके चलनी चाहिए थी, इक्वालिटी भी आ सकती है अगर 1 हो गया तो, अगर ये 1 हो गया तो, तब तो बेटे इक्वल आ जाएगी ना, तो यहाँ इक्वालिटी जरूर ले लेना यार, क्योंकि स्क्वीज थ्योरम में भी इक्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो इक्वालिटी जरूर ले लेना। अगर एन 1 के इक्वल हो गया तब तो इक्वालिटी भी आ जाएगी, तो यहाँ पे इक्वालिटी लेते हुए चलना, मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने इक्वालिटी नहीं लिया, ठीक है। एन 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब ध्यान से देखो इसकी लिमिट, देखना लिमिट 1/4n अप्रोच एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ जाएगी जीरो, लिमिट 1/n एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस अप्रोचेस टू जीरो, तो इसका मतलब लिमिट n approaches to infinity, Sn also approaches to zero. तो यही हमारा आंसर है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी जीरो, मतलब ऐसे चलते 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 ये किस पे अप्रोच कर जाएगा, जीरो को अप्रोच, किस पे इसकी कन्वर्जेंस क्या आएगी, जीरो, किसको अप्रोच कर रहा होगा ये लिमिट, जीरो को अप्रोच करेगी। बात समझ गए? एक और मेरे पास क्वेश्चन है जिसको मैं अभी कराना चाहूंगा दोबारा, तो पहले यहां तक नोट कर लो। So, अब यहां पर हमारे पास देखो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस रहने वाली। सबसे पहले हमें पता है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो भैया पता ही था, अगर 1 डालोगे n की जगह तो इक्वल आ जाएंगे, बाकी के लिए तो है ही बड़ा। अगर मैं दोनों साइड एन स्क्वायर प्लस कर दू तो क्या होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा, सेम चीज आप एड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड रूट ले ले तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, एन स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, इस चीज का ध्यान रखना। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कि मतलब ये जो चीज हमारे पास आ रही है ये इससे बड़ी होगी, अगर यहां मैं एन स्क्वायर प्लस 2 भी ले लेता, अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेके चलता तब भी ऐसे कुछ आने वाला था, 3 लेता तब भी ऐसे आता, 4 लेता तब भी ऐसे आता, एन स्क्वायर प्लस एन लेता तब इक्वल आ जाता, तो इक्वल का भी साइन हमने रखा हुआ, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, अब हमने कोई भी गड़बड़ नहीं करी है इक्वल के साइन। सो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर, लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों साइड रूट ले लो, एन स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लो, तो यहां से हमें पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है हमें, इससे लेटर से इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये जो 1/ रूट में 1 एन स्क्वायर प्लस 1 है ये छोटा है इससे, अगर तुम यहां पे एन स्क्वायर प्लस 2 लेते तब भी इससे बड़ा हो सकता था, ये इक्वल हो सकता था, 3 लेते तब भी हो सकता था, एन लेते तब भी बड़ा हो सकता था। ये दोनों इक्वेशन को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पे हमारे को पता चलेगा कि हमारे पास आ रहा है कि 1/ रूट में एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू, लेट मी सी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/ रूट में एन स्क्वायर प्लस 1 which is less than equal to 1/ root में n square, ठीक है। ऐसे मैं दूसरी टर्म भी लिख सकता हूं, n square plus n less than equal to n square plus 2 less than equal to 1/ n square, अभी भी बीच में ही आएगा इसका। ऐसे चलते 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 तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं प्रोसीजर क्या कर रहा हूं, अब बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं तो प्रोसीजर समझ पा रहे होंगे तुम, है ना, लेस देन इक्वल टू 1/ रूट में n square प्लस n, इक्वल का भी लगाया हुआ है साइन, ऐसे बात नहीं, विच इज लेस देन इक्वल टू रूट में n स्क्वायर। अब ध्यान से सुन लो, पूरे चीजों को ऐड कर दो तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, इनको ऐड करोगे तो कितनी बार है भैया, ये है n टाइम्स, तो लिख दो इसको n टाइम्स 1/ रूट में n स्क्वायर प्लस n, और बीच वाली टर्म क्या बन जाएगी, अगर इसको प्लस कर दोगे भैया ये बन जाएगी एस एन, अपनी वाली इसको 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 प्लस कर दोगे तो एस एन ही बन जाएगा, वो जो अपना वहां पर पढ़ा होगा, इसको ऐड करोगे तो याद आएगा एन टाइम्स 1/ रूट में एन स्क्वायर। लेकिन ध्यान से एक चीज देखो, अगर मैं नीचे से एन कॉमन एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो देखना ध्यान से क्या होगा, अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, पहली बात तो एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एन बाहर आएगा क्योंकि ऊपर रूट भी है, तो यहां पर मेरे पास कुछ ऐसे बनने वाला, ध्यान से देखना, एन कॉमन लूंगा तो अंदर रह जाएगा रूट में 1 प्लस 1/ एन स्क्वायर,
लेट मी सी कि हमने सही किया या नहीं। हाँ, अगर तुम n को अंदर लेके जाओगे तो दोबारा n स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे n स्क्वायर मतलब n, n अंदर जाके n स्क्वायर बन जाएगा, समझ पा रहे हैं, n अंदर जाके n स्क्वायर बन जाएगा, यहां आएगा n स्क्वायर और यहां पे डालोगे तो ये हमारे पास नीचे 1 बाय n आना चाहिए। तो अब भी हाँ, अब अंदर जाके n स्क्वायर बनेगा, यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर, लेकिन यहां n स्क्वायर आएगा तो n स्क्वायर से n कैंसिल होकर दोबारा n मिल जाएगा, मतलब हम सही चल रहे हैं। विच इज लेस देन इक्वल टू एस एन, विच इज लेस देन इक्वल टू, इसके रूट से स्क्वायर कटोगे, n से n कटेगा तो आएगा 1, तो इधर वाली लिमिट भी शायद 1 आनी चाहिए, लेट अस सी कि 1 आ रही है या नहीं। थोड़ी सी इधर ही कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है हमारे पास, लिमिट 1 बाय रूट में 1 प्लस 1 बाय n। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये आ जाएगा 1 बाय 1 विच इज 1, ये भी 1 आ रही है लिमिट, ये भी 1 आ रही है, इसका मतलब लिमिट एस एन इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 1 एंड दैट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया इसकी लिमिट भी क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन हमने जैसे कंपेरिजन करके और सैंडविच थ्योरम लगा के किया है तो हमारे लिए इजी हो गया। आई होप कि आज की चीजें समझ आई होंगी, मजा भी आया होगा इसको करने में मेरे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।